अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को प्लाजो पैंट का साइज लेने का तरीका बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर नेफे के पास 1 इंच का टेप रखेंगे इस तरह, और नीचे की तरफ हम पैंट की बॉटम की तरफ नीचे के पास टेप रखेंगे। देखिए, ये 39 इंचेस है, तो इस तरह हम लंबाई यानी कि लेंथ लिख लेंगे 39 इंचेस। देखिए, इसके बाद हम लेंथ के बाद बॉटम लिखेंगे। प्लाजो शलवारी हमने ली हुई है, इसका बॉटम है 12.5 इंचेस, तो इस तरह नीचे बॉटम माप लेंगे हम 12.5 इंचेस यानी कि प्लाजो शलवार की गोलाई। अब इसके बाद हम प्लाजो शलवार में किस तक मापते हैं यानी कि आसन, जो बीच का सेंटर होता है वहां से हम टेप रखते हैं। देखिए, इसका जो आसन है ये है 13 इंचेस, 13 इंचेस रेडी। तो इस तरह हम देखिए, यहाँ 13 इंचेस है, तो किस तक को हम 13 इंच लिख लेंगे यानी कि 13 इंच। अब इसकी हम विड्थ लेंगे, मैं विड्थ 1 हिस्से की माप रही हूं। आप चाहे तो पूरा चौड़ा ऐसा इस तरह माप कर उसे आधा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बीच के सेंटर की विड्थ माप रही हूँ यानी कि चौड़ाई। देखिए, अब हम विड्थ मापने के लिए बीच के सिलाई जो है हमारी किस तक की आसन की, वहां पर टेप रख लेंगे और इसे इस तरह टाइट करते हुए पकड़ लेंगे। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ये 13 इंच है, तो हम इसकी विड्थ 13 इंचेस लिख लेंगे यानी कि चौड़ाई हमारी 13 इंच है। और अब हम इसमें प्लाजो शलवार में इलास्टिक मापेंगे, क्योंकि हमें भी प्लाजो शलवार में इलास्टिक लगाना है। तो इस तरह हम इलास्टिक को पूरा गोल मापेंगे टेप को नीचे से लेते हुए, क्योंकि इलास्टिक हमें इस तरह कट करके इसमें लगानी है। तो देखिए, इलास्टिक का जो साइज है हमारा ये 27 इंचेस है, तो हम ये पूरा राउंड करके इलास्टिक मापेंगे। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक बोल के लिख रही हूँ 27 इंच। पूरा हम राउंड करके इलास्टिक का साइज लेंगे। तो ये था हमारा प्लाजो शलवार का साइज लेने का तरीका। अब मैं नोटबुक में आपको ये डायग्राम बनाकर बताऊंगी कि किस तरह लेना है।